आज के वीडियो में बात करने वाला है अक्षय कुमार की नई पिक्चर रक्षाबंधन का जो ट्रेलर आया है उसके ऊपर, ठीक है। बेल बॉटम, बच्चन पांडे और पृथ्वीराज तीनों लगातार फ्लॉप देने के बाद अक्षय कुमार वापस आ चुके हैं अपनी नई फिल्म के साथ जिसका नाम है रक्षाबंधन, ठीक है। इसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों के साथ ये कनेक्ट कर लेगा ये ट्रेलर पहली बार में, क्योंकि इसमें जो स्टोरी बताई है बहन की शादी करानी है, भाई और जो पापा होते हैं और उनको सब अरेंजमेंट करनी होती है, तो इंडिया में ये बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगा ये ट्रेलर। उसी के साथ जो इसका म्यूजिक है, म्यूजिक ने इस ट्रेलर में और जान डाल दी है। जो हिमेश रेशमिया, अक्षय कुमार और हिमेश रेशमिया की जोड़ी पुराने ज़माने से चलती आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो स्टोरी होने वाली है, ठीक है। इस ट्रेलर में बहुत सारी स्टोरी अपन को दिखा दी गई है, ठीक है, कि चार बहनें होगी, अक्षय कुमार उनकी शादी कराएगा, अक्षय कुमार जिससे प्यार करता है उसके साथ अगर उसकी शादी करनी है तो उसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम होगा, और इसी के साथ वो एंड में जाते जाते अपनी एक बहन की शादी तो करवा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपन को ट्रेलर में देखने को मिला। और उसके बाद कुछ अलग ऐसा ट्विस्ट आएगा एंड में, कुछ ऐसा मैसेज दे देंगे कि ये बोझ नहीं होती है, मैसेज देने की कोशिश कर सकती है मूवी, ठीक है। इसी के साथ अपन एक्टिंग की बात करते हैं। अभी पृथ्वीराज अभी गई है, उसमें जो अक्षय कुमार की एक्टिंग के बारे में बहुत सारा सवाल उठाया कि उनका लुक बराबर नहीं आ रहा है, वो उस रोल के लिए फिट नहीं है, मगर इस रक्षाबंधन पिक्चर के लिए उनका रोल सही किया गया है, वो इस रोल में शूट भी हो रहे, ठीक है। जिधर उनको इमोशन देना है, इमोशन डायलॉग देना है, वो उस टाइप के इमोशन डिलीवर कर पा रहे ऑडियंस के सामने, ठीक है। भले ही अक्षय कुमार ने अभी जो लगातार जो 3 पिक्चर आई है उनकी, वो तीनों की तीनों फ्लॉप हुई हो, मगर ये मूवी उनको ऊपर कर सकती है, ठीक है। ये पिक्चर रक्षाबंधन के दिन ही रिलीज हो रही है और इसका नाम भी रक्षाबंधन है, तो लोग ज़्यादा इसको देखने जाएंगे। एक फील गुड मूवी है, ठीक है, जिसको देख के अच्छा अच्छा लगे, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है और इमोशन भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो जाएगी, ठीक है। ये 2 घंटे की मूवी होने वाली है, जैसे इस मूवी के साथ अपन को लाल सिंह चड्ढा भी देखने को मिलेगी, मतलब 2 मूवी सेम कैटेगरी जैसी है, ठीक है। दोनों फील गुड है और दोनों एकदम अच्छा फील करने वाली मूवी है, ठीक है। अब देखते हैं अब इन दोनों में से जीतेगा कौन। सर अभी ये ट्रेन शुरू हो जाएगा, लाल सिंह चड्ढा वर्सेज रक्षाबंधन, और ये मैं खुद करने वाला हूँ, अपने थंबनेल में भी मैं यही डालूंगा। इसी के साथ आज ही एक और ट्रीजर आया, उसके बारे में भी इस वीडियो में ही बात कर लेते हैं। समसेरा का जो ट्रीजर है वो आ चुका है, 2 दिन बाद इसका ट्रेलर आने वाला है, तो अलग से वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं, ट्रेलर के ऊपर अलग से वीडियो बन जाएगा, तो उसकी बात भी मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ। समसेरा का ट्रीजर आया, उससे तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, संजय दत्त हर रोल में, जितने भी अभी जो लगातार उनकी जो मूवी आती जा रही है, KGF में थे, पृथ्वीराज में थे और अब वापस आ रहे हैं, ठीक है, और तीनों ही मूवी में उनने जो एक्टिंग की है उनका लेवल अप होते ही जा रहा है। इस ट्रीजर में सबसे वाउ मोमेंट था संजय दत्त का, ठीक है, और उसके साथ इसका बैकग्राउंड स्कोर, इसका गूज़बम दे रहा था पूरा का पूरा, जब ट्रीजर चल रहा था उस पूरे के पूरे टाइम अपन को गूज़बम्स आए, ठीक है। उसी के जो डायलॉग आया वो डायलॉग मुझे इतना हिट नहीं किया। इसके साथ जो रणबीर कपूर का लुक है अपन को ज़्यादा तो नहीं दिखाया, मगर वो 1 सेकेंड का जो फोटो आया था उनका, वो लुक देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनने इस पिक्चर के लिए काम किया है अपने ऊपर, और अपन को पता है कि उनने संजू में भी काम किया था, अपनी बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म किया था, तो इस मूवी के लिए भी उनने किया है। इसका ट्रेलर के ऊपर अलग से वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक या डिसलाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बोलता वही बोलूँगा, फॉलो योर ड्रीम्स, पीस आउट।